डॉक्टर ने जैसा बोला डर लग गया था, हट गई मेरी। वो मम्मी का ना लोअर बैक का स्लिप डिस्क हुआ है और उसका ऑपरेशन के अलावा कुछ उपाय नहीं है दूसरा। छह टाके लेंगे, छह टाके मतलब इतने सा। एक बार कॉमेंट में बताना कि यस्टरडे वाला मोटर ब्लॉग कैसा लगा तुम लोग को, क्योंकि मैं ना मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर गया था भाई। और ये वाला ब्लॉग ना तुम लोग को मिलेगा कभी मिलेगा 22 तारीख को भाई, एग्जैक्ट 22 तारीख को। और ये देखो भाई पूरा राम जी अयोध्या में राम जी आ रहे हैं, इसके लिए ना पूरी जोर से तैयारी चल रही है। सो ये ब्लॉग तुम लोग को उस दिन ही मिलेगा 22 जनवरी को। और जितने भी मेरे भाई लोग हैं ना पूरा पूरा जय श्री राम भाई कमेंट में स्पैम कर दो। जिस दिन राम जी अयोध्या आएंगे उस दिन शायद हम लोग भी छुट्टी लेंगे, बट हम लोग नहीं जाएंगे अयोध्या। आने वाले टाइम में जब जिस दिन टाइम मिलेगा ना गाइस, उस दिन अयोध्या जाने का ना हम सबका भी एक ड्रीम है, तो ज़रूर जाएंगे। सो फिलहाल हम जाएंगे काम को, अयोध्या को बाद में। आ जाओ भाई जस्ट यहाँ पर और हम बढ़ने ना इडली वगैरह निकाल के डालने का काम पूरा कर दिया। राम भाई तुम तो मेरे से भी फास्ट हो भाई। हाँ भाई मेरे से भी फास्ट। अरे उधर क्यों डाल रहे हो कपड़ा? हाँ धुल लेता ना, धो के डालने वाले क्या? चलेगा भाई। अरे बेटा इधर देख तो, नींद में है ना तू? नींद हो गई नहीं ना रात को? क्या करा मोबाइल लेके? किसका? राम का। तुम्हें मालूम है तू क्या करता मोबाइल लेके, और वो भी रात को? इधर देख। कल जैसे मैंने मोटो ब्लॉग एंड किया ना तो डॉक्टर के पास गए थे, तुम लोगों को पता है MRI का हम लोग ने रिपोर्ट निकाला था परसों के दिन, तो वो रिपोर्ट डॉक्टर को बताना था। तो मम्मी का ना लोअर बैक का स्लिप डिस्क हुआ है और उसका ऑपरेशन के अलावा कुछ उपाय नहीं है दूसरा। सो आने वाले एक हफ्ते में फ्राइडे सैटरडे संडे जब भी हम लोग मम्मी का ऑपरेशन करेंगे। छोटा सा ऑपरेशन है, ज़्यादा टेंशन लेने के बाद में, बट वो ऑपरेशन के बाद ना मम्मी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई। एक दो दिन में मम्मी ठीक हो जाएगी, बट ऑपरेशन के बाद डेढ़ दो महीना मम्मी को बेड रेस्ट है। कितना महीना? कितना महीना बेटा? डेढ़ दो महीना, बात ध्यान में रख। वो कमला का फोन आया था क्या? कमला कमला कौन? कमला कमला लाल वाली चटनी को आने के लिए और टाइम है, और वाइट वाली चटनी आ गई है। सो वाइट वाली चटनी बना लेता हूँ फटाफट। मम्मी का इम्पोर्टेंट क्या है ना इधर ये वाले घर पे, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सांभर बन के रेडी हो चुका है, बट रुके कहाँ हो राम भैया? रुके कहाँ आए हो तुम? मम्मी के लिए ना? हाँ। टेस्ट करने के लिए। ये भाई मम्मी, मम्मी के बिना तो भाई बिजनेस बंद ही है, बात खत्म। आ किधर थे मलाइक? तबीयत ठीक नहीं है भाई बिल्कुल भी, हो जाएगा ठीक। डॉक्टर ने जैसा बोला डर लग गया था, हट गई मेरी। नहीं हो जाएगा, एक छोटा सा है और उस पर ना मतलब छः टाके लगेंगे, छः टाके मतलब इतने सा पटक दिशे ऑपरेशन मम्मी। फिर मेरी मम्मी पहले ऐसा काम करेंगी फास्ट, एकदम खंडे को जाएंगे, लोअर बैक में पेन नहीं कुछ नहीं। जिन लोगों का बिजनेस है ना एक मेजर प्रॉब्लम क्या है ना, 12 बज रहे एग्जैक्ट 12 बजने आ गए, सुबह से टॉयलेट आई है भाई, एक बार भी छोड़ा नहीं घर पे, क्योंकि सैटरडे को इतना ज़्यादा गर्दी रहता है ना इधर से उधर हिलने डुलने देते ने पहले बताया क्या नहीं लूसी? नाश्ता कूटा मारा टॉयलेट वाला जरूरत। बाबा के लिए नाश्ता भेजो ना भाई, भूल गए आज। हाँ बाबा और दादी दोनों के लिए नाश्ता भेज दो। हाँ इडली भेज दो, इडली भेज दो। सो काम वगैरह हो गया गाइस, बट अभी सीन गया ना मोटो व्लॉग का, व्लॉग एडिट करना भाई। एक चीज़ की तो ना गारंटी है पक्का कि जब भी तुम लोग काम करने बैठते हो ना लाइट चली जाती है, ये लाइट के बाजू में एक भूत दिखेगा तुमको साला हरामी। क्या बोलूं मतलब इतना मूड लगा के बैठा था ना एडिटिंग करने के लिए, और ऐसे लाइट चलेगा भाई, और ऐसे जब भी लाइट चली जाती है ना मूड खराब हो जाता। मूड खराब तो हो जाता पर सुस्ती आ जाती है, और सुस्ती आने के बाद मैं सो जाता ना, मैं जल्दी उठता नहीं हूँ, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दादी का भी हॉस्पिटल है, और तुम लोग देख रहे हो कि एक सेकंड भाई थोड़ा, हाँ
तुम लोग देख रहे हो एक चीज़ कि मैं पिछले 5 से 6 दिन से ना लगातार हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मम्मी के लिए ना मैं 3 से 4 बार गया, अभी दादी के लिए जा रहा हूँ आज, और दादी का अपॉइंटमेंट 5 बजे गए कल। अगर तुम लोग यस्टरडे वाला मोटो ब्लॉग देखोगे ना तो उसमें मैंने बोला था, और जैसे ही मेरा कैमरा ऑफ था ना एक बंदा आया था भाई मिलने, भैया आप राइडर हो गया, भैया आप मोटो ब्लॉग कर दोगे, आप यूट्यूबर हो गया, ऐसा पूछ रहा था। बोले हाँ 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 सत्य बात है भाई, लाइट भी आ गए और सच बात है। सो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इंडिया में ना भाई मतलब यूट्यूबर लोग को ना काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और उतना डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं लोग। हमारे राम भगवान ना अयोध्या आ रहे हैं भाई 22 जनवरी को। सो हमारे यहाँ पे जो हनुमान मंदिर है ना वहाँ पे हम लोग ने 11 किलो जो लड्डू होते हैं बूंदी के, वो 11 किलो बूंदी के लड्डू हम लोग ने रखा है। क्या मतलब बा मंग विषय का है? मैं देव टाकायचं मंदिर मध्ये वाटतं, मंदिर मध्ये ना, मंदिर मध्ये द्यायचं। 11 किलो मध्ये किती लोक खातात? टोटल 20 लड्डू येतात 1 किलोच्या मध्ये। असं का? ठीक आहे, जोरात आहे। मग चालू आहे का नाही? चालू आहे का नाही सोमवारी? बघत रे चालू ठेवत असत का मात्र को यार चालू छुट्टी तो गाव से कोण आया? नानी। किसके लिए आई नानी? मेरे लिए। क्यों ऐसे ऐसा आते? ऐसा कभी नहीं आते। कल रो रही थी मैं। अभी सीन क्या है ना, नानी आएगी नानी नहीं आएगी, ये दोनों में शर्त लगा था। तो आएगी कौन बोला था? हाँ, और नहीं आएगी कौन बोला था? बाबा अभी जीता कौन? चलो शर्त पैसा दो। मैं म्हटले 100 रुपये, माना 1000 रुपये, 1000 रुपये म्हटला। बाबा आपल्याकडे 1000 रुपये दे द्यायला आहेत का शर्त लावायसाठी? किशात 1 रुपये अजून नाही काय नाही बाबा शर्त लावायचं। 1 रुपया किशात नाही तर 1000 रुपयाची शर्त लावताय, ते काल 100 रुपयेच म्हणलं होतं। पण 1 रुपये तर आहेत का किशात 1000 रुपये? कशाला आजी केल्या? आजी काय करेन तू का बर शर्त लावलूस? का बर सगळं म्हणतो का तुला? मेरी बहन शर्ट जीत गई है, नानी आएगी बोली और नानी आ गई सच्चे में। नहीं इससे पहले भी ना शर्त लगाई थी मेरी बहन ने मेरे दादा के साथ और ये हार गई थी। अभी वो जो पैसे तू जीती ले ना नाम के लिए वो दे दे। चल पिट्टू सो गला चीटिंग है। फाइनली हॉस्पिटल गए और दादी को दिखाता हूँ, और दादी के मेडिसिन भी ख़त्म हो गए, तुम लोग को पता है कौन से। सो डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर क्या बोलता है, फिर उसके बाद जो मेडिसिन डॉक्टर देगा ना, अगर मेडिसिन कंटिन्यू रखने बोलेगा तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे मेडिसिन। तो जा रहे हैं फाइनली घर पे भाई, और दादी का ना पूरा कंप्लेंट दिया है डॉक्टर को कि घर में काफ़ी ज़्यादा काम करती है पागल जैसा, और चक्कर आके ना गिरती है। सो ब्लड टेस्ट बोला है, वो ब्लड टेस्ट हम लोग कर लेंगे मंडे को। घर पर आ गए हो भाई, और सुबह से लेके ना अभी तक मतलब आज भाई घूमने पर हूँ, काम वगैरह करने का काम 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 काम, मतलब यही चालू है भाई स्केड्यूल आजकल। बट एक सीन मैंने देखा आज कि ये शर्ट जो मैंने मोटो ब्लॉग डाला था ना गाइस, वो मोटो ब्लॉग में ना थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम है मेरे। मैं काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग को टाइम दिया, 3 घंटा एडिटिंग को टाइम दिया, और मैं आवाज़ में ना कुछ चेंजेस करने का भी ट्राई किया, और चेंजेस करने के बावजूद भी ना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे आवाज़ को लेकर। सो इसको फिक्स कर दूंगा ना मेरी वॉइस को, तो उसके लिए मेरे को माइक चेंज करना पड़ेगा, और एक अच्छे माइक के लिए जाएगा हम लोग, एक अराउंड 7000 रहेगा। तो मेरे पास खुद के पैसे भी है तो कोई टेंशन नहीं, वो माइक ले लेगा और एकदम ना खतरनाक कंटेंट डालेगा भाई, और टेंशन ही नहीं। अगर मेरी आवाज़ ही मैं जो बात कर रहा हूँ आ रहा नहीं है तुम लोग को तो फिर मज़ा नहीं है, राइट? तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और मुझे एक चीज़ पूछना है कि शेर आपको ब्लॉग में ज़्यादा पसंद है या मैं? ठीक है, अभी इसका ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग ही दे सकते हो, मैं तो नहीं। कमेंट में आई वांट द रिस्पॉन्स, क्योंकि उसने मुझे